नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। तो इसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, सब आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। कई मरतबा बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना या डायरेक्ट एक्शन ले लेने से नुकसान भी होता है। आप जैसे जातक जो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, तो परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की चेष्टा ज़्यादा रहती है। तो इस कंडीशन में बार बार जब परिस्थितियों पर नियंत्रण करते हैं तो परिस्थिति हाथ से फिसल जाती है। इसलिए ज़्यादा चिंतन मनन पहली बात तो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सोचना विचारना भी नहीं चाहिए, यानी बेफिजूल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब भी कोई निर्णय ले रहे हैं या योजना बना रहे हैं, तो उसमें ज़रूर दूरदर्शिता रख करके काम करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से हर काम में आपको परफेक्शन, स्टेबिलिटी अच्छा देखने को मिलेगा। अब जैसे शॉर्ट फिंगर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर देता है, तो किसी से दबने की आदत, किसी के सामने झुकने की आदत, हाजिर जवाबी करने की आदत नहीं होती है, मन मुताबिक काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अगर हाई पोस्ट अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर काम कर रहे हैं, या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो आपको आपके काम से संतुष्टि मिलेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं मन विचलित होता रहेगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँचा, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी सी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होने या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लिया, तो उन सारे कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। तो कोशिश करें कि एक समय पर एक ही काम करें, ताकि आपके हर काम में परफेक्शन व स्टेबिलिटी देखने को अच्छे से मिले। और काम तो कोई भी शुरुआत तो हो जाता है, लेकिन आधे अधूरे छूटने के योग निर्मित कर देता है ऐसा जो है शॉर्ट लिटिल फिंगर। तो इसीलिए जब तक एक काम पूर्ण ना हो, दूसरा जब हाथ में नहीं लेंगे, तो हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और 100% एफर्ट्स डाल के प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा इंप्रूव है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, अर्थात कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव के होते हैं, और यही रीज़न है कि कोई भी एक प्रकार से रिस्क लेने में या कोई भी एक प्रकार से हार्ड वर्किंग टास्क करने में पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत होती है, और फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण यह डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता, या फिर अपना अधिकार को मांगने के लिए, अधिकार के लिए लड़ते भी ज़्यादा नहीं है। इस कंडीशन में एक दिक्कत यह रहती है कि हमेशा फैमिली लाइफ के प्रति आप डेडिकेटेड रहेंगे, लेकिन फैमिली से उतना सुख नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्ट करते हैं। वहीं फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा बहुत रिश्तों में होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को भी व्यक्त करता है। तो रिश्ते कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अंततः सारे रिश्तों को अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। बाकी फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका थोड़ा सा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, और यव का चिन्ह है, तो खुद के दम पर अपना घर 100% आप बनाएंगे। इस कंडीशन में पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य भी उत्पन्न होते हैं, तब जब बहुत अच्छा मेडिटेट किया जाए या दान धर्म पूजा पाठ किया जाए, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आती है। जहाँ थंब का ज्वाइन पॉइंट है, वहाँ मानसल थोड़ा सा कम होने लग रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में आ जाती है, यानी समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णयों में परिवर्तन कर पाते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है, वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। और गुरु की स्थिति पर देखेंगे, तो गुरु यहाँ पर आपका विकसित अच्छा है, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। आपका प्रश्न भी ये था कि जीवन में कोई बड़ा काम हो पाएगा या नहीं, या आगे कैसा रहने वाला है आपका खुद का भविष्य। तो आप जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े पद पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन बिल्ड होने लग रहा है, और स्क्वायर का साइन बहुत प्रोटेक्शन का साइन होता है। और अगर गुरु पर स्क्वायर हो, तो वो 1.25 लाख दोषों के खत्म यहाँ कर देता है, हथेली में या कुंडली में।
रीजन इसके पीछे ये है कि सबसे सात्विक ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे अधिक जीवन देने वाला, यानी जीवन में तमाम तरह की खुशियां देने वाला ग्रह भी हमारा गुरु ही है। हमारे मैरिज का कारण, हमारे बच्चों का कारक, हमारे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, धन, वैभव, कीर्ति, इन सब का कारक, स्वास्थ्य का कारक, सबका कारक यहाँ पर हमारा गुरु है। तो गुरु पर स्क्वायर होना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन हो जाता है। तो धन धान्य से संपन्नता बढ़ती है, घर में खुशहाली बढ़ती है, बच्चे लायक निकलते हैं, किसी रिसोर्सेस की कमी नहीं होती, समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है, सलामत सभी लोग तकरीबन ठोकते हैं। इस कंडीशन में धन धान्य से अथवा प्रॉपर्टी भी अच्छी क्रिएट कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो ये फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा दिखा। दूसरी बात यह है कि जितनी भी आड़ी रेखाएं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप धार्मिक बहुत हैं। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति आपका रुचि यहाँ पर अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा आप दान धर्म भी करेंगे, आगे से रहकर दूसरों की मदद करेंगे, दया करुणा रखेंगे, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा भाग्योदय करने का आसान तरीका आपके हथेली में यही है। और अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो उन्हीं का आशीर्वाद लेते रहिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं है तो गुरु बनाना या माता पिता का भी आशीर्वाद लेते रहना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। तो वैसे गुरु की स्थिति में कहीं से कहीं तक कोई खराबी है नहीं, आपका गुरु अच्छा है, तो इसीलिए जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगा। अभी जो है उम्र आपकी 36 की होने को आई है, और आपके भाग्य में भी बहुत बढ़ोतरी हो रहा है, सूर्य में भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो सूर्य में जब बढ़ोतरी होता है तो ये पद प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है, सीधे सीधे जॉब में हाई पोस्ट पर लेकर के जाता है। तो इंडिकेशन अभी अच्छे आ रहे हैं, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। शनि पर भी आपकी भाग्य रेखा सीधे पहुंच गई, तो शनि हमारा संतुष्टि है, हमारा भाग्य स्थान क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि किसी भी काम से हमको संतुष्टि मिलेगा या नहीं वो हमको शनि ही बताते हैं, और कोई काम हमारा सही ढंग से बनेगा या नहीं ये भी शनि बताते हैं। आपकी कोई भी मेहनत विफल नहीं जाएगी, रीजन उसके पीछे ये है कि मून से एक प्रकार से भाग्य रेखा प्रारंभ हुई है। तो मून हमारा मन है, तो सबसे पहली बात आप सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की है, तो मन का आपका काम शुरू हो जाता है। ये रेखा कंटिन्यू होते हुए सैटर्न तक पहुंच गई, यानी लेट ही सही लेकिन आपका काम होगा, निश्चित रूप से सारे काम बनेंगे तो संतुष्टि मिलेगा। जीवन में संघर्ष जो है सबसे ज्यादा आपने किया है, तो वो उम्र हो जाएगा 23 से लेकर के करेक्ट 34 के एज तक लगातार संघर्ष आपके जीवन में रहा है, एकदम उठापटक बहुत रही है, क्योंकि भाग्य रेखा पूरी फेल करके चल रही है, तो मेहनत का कोई प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। 34 के बाद से भाग्य रेखा एकदम से स्मूथ हुई, तो आपको आपके काम में मजा भी आने लगा, ग्रोथ भी कहीं ना कहीं दिखने लग रहा है। तो 34 तो अभी अभी है, और यहाँ देख सकते हैं कि हल्की सी अभी स्ट्रेस लाइन, हालांकि आपकी जो है मरकरी लाइन से मर्ज हो गई है, जो स्किल्स को या स्पेशलाइजेशन को डेवलप करती है, लेकिन काटिस ने लाइफ लाइन को है और यहाँ पर आपके लक लाइन को है। तो ये पीरियड आपका कहाँ का दिखा रहा है, पीरियड आपका दिखा रहा है तकरीबन अभी का 36 का, 35 एंड 6 का। तो ये जो साल रहा और पिछला साल रहा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा वैचारिक अनबन, मतभेद और थोड़े भाग्य हानि में रहा। काम इतने फ्लुएंट आपके बन नहीं पाए ये 2 साल, पिछले साल और इस साल भी। फिर इसका जाकर के भाग्य रेखा की स्थिति फिर तीव्र हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के आधे के बाद में और नेक्स्ट ईयर से फिर से आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि व ग्रोथ, जिसकी हम बात कर रहे थे कि प्रमोशन होगा, वो यहाँ पर सूर्य रेखा जो ये क्रिएट हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि 37 यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपको प्रमोशन मिलेगा आपके काम में, इसीलिए धनार्जन भी आपका बढ़ेगा, इसीलिए ये रेखा एकदम से स्मूथ हो गई है। फिर वापस से धन हानि के योग निर्मित हो सकते हैं 42 के एज में, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर ये रेखा सीधे के सीधे शनि तक गई है, तो अंत भला तो सब भला, आपको आपके जीवन में खुशहाली, संतुष्टि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें प्राप्त होगी, और जो भी इच्छा मनोकामना है उन सबकी तो पूर्ति होगी ही। इसलिए अभी का समय थोड़ा सा कष्टकारी है, थोड़ा सा इसको पेशेंटली बिता दें, कोई दिक्कत मोस्ट प्रोबेबली आगे नहीं आएगा आपको नेक्स्ट ईयर में खासकर। अब जो सूर्य रेखा होती है, वो सूर्य रेखा क्यों मान सम्मान बढ़ाती है? सूर्य हमारे तेजस का कारक है, हमारे एक प्रकार से कर्म का कारक है। कर्म का कारक सबसे मेन हमारे शनि होते हैं, लेकिन उस कर्म का क्या फल मिलेगा उसका कारक हथेली में शनि के अलावा सूर्य भी होते हैं। तो जब सूर्य की स्थिति मजबूत होने लगे, सूर्य रेखा मजबूत जाने लगे, अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखा की डिलीवरी, तो आप देख सकते हैं कि रेखा रुक रुक करके चल रही है। जब ऐसे रुक रुक करके रेखा चलती है तो इस कंडीशन में काबिले चाहे कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग आकर के कहेंगे भी एक प्रकार से कि आपको इस पद पे होना चाहिए, आपको तो इतने बड़े लेवल पे होना चाहिए, लेकिन वो आके क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य रेखा चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन
अगर रुक रुक करके चल रही है, इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति का ध्यान, व्यक्ति का एक प्रकार से थिंकिंग और कर्म, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही हैं। ध्यान कहीं और, कर्म कहीं और फोकस कहीं और हो रहा है। तो इस कंडीशन में जितनी भी कैपेबिलिटी हो, लेकिन रिजल्ट इस नहीं मिल पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंसी लेकर के आएंगे, फोकस अच्छा रखेंगे, ध्यान एकाग्रचित रखेंगे, तो इन सारी चीज़ों से सूर्य बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, तो फिर आपको नेम रिस्पेक्ट सक्सेस है, वो उतने बड़े लेवल पर लेकर के जाने वाले रहेंगे। यहाँ पर जब हल्का सा क्रॉस का साइन होता है, तो पिता से बेचारे कनबन मतभेद होना, वर्क के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होना, बार बार काम में परिवर्तन करने का मन करने जैसे योग निर्मित होता है, और बहुत मेहनत के बाद भी कई मरतबा क्रेडिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, अगर सूर्य रेमेडी परफॉर्म करते तो बहुत अच्छी बात है, इन सारी चीज़ों से छुटकारा व सुधार निश्चित रूप से मिलने लगेगा। अदरवाइज आप चाहें तो सबसे मेन अपने अंदर में फोकस बिल्ड अच्छा करें, कंटिन्यूटी रखें, दूरदर्शिता रखें, आपके कोई भी दिक्कत फिर इस प्रकार की सूर्य रेखा परेशानी नहीं देगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, तो दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और वहीं देखेंगे आपके मरकरी माउंट के विषय में, तो यहाँ पर एक सत्य दिग रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, इन सारी चीज़ों के प्रति भी नॉलेज कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलता है। तो बिजनेस सेंस या लक के लिए बहुत अच्छा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को नॉलेज देता है, हंसमुख हास्य कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। यहाँ पर बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित या प्रभावित कर पाने में अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है, ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को निर्मित करता है। और नीचे की तरफ जब ज़्यादा रेखा आती है, तो ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। हृदय रेखा आपकी यहाँ से सीधे निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करती है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी को यह यहाँ पर क्रिएट करता है। और यही रीज़न है कि आप जैसे जातक चाहे कितने ही प्रैक्टिकल लॉजिकल क्यों ना हो जाए, फाइनल डिसीजन इमोशन बेस्ड लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जल्दी किसी से अटैचमेंट होना, किसी पर जल्दी ट्रस्ट कर लेना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग जाना, ये सारे बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। दिल के साफ होते हैं, ऑनेस्ट लॉयल्टी रहेगी आपके अंदर, समाज में जो बड़े तख्ते पर विराजमान लोग हैं उन सभी से आपके इंटरनल कनेक्शन अच्छे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक हल्का सा स्क्वायर बन रहा है जो शनि की तरफ आ रहा है, तो ये आकस्मिक धन लाभ देता है। शनि पैसा बहुत अच्छा देते हैं, गुप्त धन देने योग्य होते हैं इस प्रकार का, जब स्क्वायर का साइन शनि की तरफ में झुका हो तो। मस्तिष्क रेखा पहले गुरु से प्रारंभ हो रही है, जो एम्बिशियस नेचर देता है, फिर यहाँ पर मंगल से भी रेखा प्रारंभ हो रही है, जो एक प्रकार से जल्दबाजी हड़बड़ी भी देता है। ऐसी मंगल की रेखा थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी दे देती है, तब जब आपके तहत कोई काम ना हो। अभी क्या है कि 26 के एज के बाद से आपके ऊपर थोड़ा लोड ज़्यादा आ गया है, क्योंकि माइंड लाइन में बहुत सारी राहु की छोटी छोटी रेखाएं चल रही हैं, तो राहु की रेखा पहली बात तो भ्रमित करती है, इल्यूजन देती है, भागदौड़ी बढ़ा देती है, कोई काम बने या ना बने चिंता जरूर देती है, और इसके तहत कहीं ना कहीं बार बार ध्यान भटकने के योग भी निर्मित होते हैं। राहु के लिए बाउंड्री कुछ है ही नहीं, तो सोच कहाँ कहाँ तक चल जाती है तो पता ही नहीं चलता, इसीलिए नकारात्मक तथ्यों से बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता है। अब आपके केस में यह है कि एक माइंड लाइन सीधे जा रही है ऊपर, यानी मरकरी की तरफ, तो ये बिजनेस सेंस, बिजनेस लक बढ़ा देता है, यानी व्यापारिक गुण प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नीचे की तरफ जाने वाली रेखा थोड़ा डीप थिंकर बनाती है, तो हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। इसीलिए जितना ज़्यादा क्रिएटिव मेंटिलिटी रखा जाए, अपने काम को तवज्जो दिया जाए, अपने काम में लूप होल ढूंढा जाए, कुछ राइटिंग किया जाए, बुक रीड की जाए, या अपने पैशन हॉबी के ऊपर काम किया जाए, तो ज़्यादा अच्छा ही माइंड रिस्पॉन्स करेगा, बजाय किसी बात पर ओवर थिंक, नेगेटिव थिंकिंग करके, क्योंकि राय का पहाड़ फिर तिल का तार बड़ी सरलता से होता है। और बायफोर्गा का साइन इंटेलिजेंसी को, नॉलेज को, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी को, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी को, डबल सोर्स ऑफ फंडिंग को, इन सब को यहाँ पर बढ़ा देता है। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, और इस कंडीशन में सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को इजिली हैंडल टेकल करते हैं। एक रेखा मंगल से आपको देखेगी आते हुए, ये साहस, हौसला, जुनून को बढ़ाती है, पराक्रम को बढ़ाती है, सहनशीलता को बढ़ाती है। इस कंडीशन में घुटने नहीं टेकते, हार नहीं मानते, चुनौतियों का सामना और डट करके करते। और यहाँ जो ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, ये शत्रुहंता योग का निर्माण करती है।
कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है। शत्रु हंता योग का मतलब कि शत्रु टिक नहीं पाते, कोई काम खराब करने वाला मिलेगा ऑटोमेटिकली उसके काम खराब हो जाएंगे आपको, लेकिन आगे से कुछ नहीं करना है। जब ट्रायंगल सूर्य रेखा के द्वारा बनी है माइंड लाइन में, तो सरकार से रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, सरकारी नौकरी में बड़े पदस्थ होने के योग निर्मित हो जाते हैं। तीसरा, जितने भी सरकारी जो बड़े काम है वो बुद्धिमता के द्वारा बड़ी सरलता से हो जाते देखने को मिलता है। जैसे लिटिल फिंगर क्या करता है, वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होने देता, हमेशा फाइलिंग जैसी चीज़ें आधी अधूरी देखने को मिलती है। लेकिन जब ऐसा ट्रायंगल बन रहा हो तो बड़े से बड़ा काम भी बड़ी सरलता से खुद की बुद्धिमता के द्वारा हो जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। 37 और 8 के बाद से माइंड लाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो अभी भी 1 साल तकरीबन थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर रहेगा, और ये जो मेंटल स्ट्रेस प्रेशर है ये बेफिजूल का है, इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। लेकिन रेखाएं बता रही हैं कि नेक्स्ट ईयर से सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो चिंता ना करें। और लाइफ लाइन के ऊपर भी देख सकते हैं कि पहले रेखा अंदर की तरफ आ रही थी, फिर ओवरलैप करके आगे की तरफ बढ़ी, और ये पीरियड दिखा रहा है यहाँ पर उम्र 21 और 2 का। तो इसी पीरियड से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क शुरू हुआ, 25 और 6 में बहुत बड़ा सक्सेस व ग्रोथ मिला। इसी पीरियड से गार्जियन एंजल लाइन यानी प्रोटेक्शन लाइन शुरू हो गई। जब ये रेखा होती है तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं। इस रेखा का काम है तमाम तरह के कष्ट तकलीफ परेशानी को दूर करना और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति करना। कैसे करेगा? जब भी आप तकलीफ परेशानी में रहेंगे किसी ना किसी का सहयोग मिल जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति का सहयोग ना मिले तो प्रकृति का सहयोग मिल जाएगा। इसीलिए सारे कष्ट को दूर करता है, इसीलिए छोटी छोटी ये रेखा, इनका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है, ये ओवरऑल ट्रबल टेंशन इन सारी चीज़ों को ओवरकम यहाँ पर करने वाली रहेंगी। और फिर यहाँ पर जो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, ये सब के सब आपको एम्बिशियस नेचर यहाँ पर देने वाला रहेगा, और ये सब सेल्फ मेड लक का निशानी है। तो अपने मेहनत पराक्रम से ही सबसे ज़्यादा तरक्की समृद्धि को हासिल कर पाएंगे। बाहर की तरफ झुकने वाली रेखाएं ये सब ट्रैवलिंग कराती है, तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की यात्रा होने के योग यहाँ पर निर्मित होते दिख रहे हैं। शुक्र की तरफ से रेखा आती है तो फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट बॉन्डिंग अच्छा देखने को मिलता है। मंगल की रेखा है तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग काम करने से लाभ मिलता है। और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा, फिजिकल फिट मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। आपके शुक्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा है, इतनी नहीं होनी चाहिए। ये जब आड़ी रेखा होती है तो घरेलू चिंताएं बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है। अब शुक्र कारक है हैप्पीनेस का, पीसफुलनेस का, एन्जॉयमेंट जॉयफुलनेस का, प्लेजर का। अब इतनी जब आड़ी रेखा होती है तो जीवन में चाहे कितनी ही सुख साधन क्यों ना हो, संतुष्टि खुशी होती ही नहीं है। रीज़न यह है कि शुक्र एन्जॉयमेंट का कारक है, उसको क्या मतलब इतने सारे टेंशन वरीज लेने से। तो इसका सीधा मतलब है कि आप ही ओवरलोड अपने ऊपर ले रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अनवांटेड टेंशन प्रेशर से, एनजाइटी से, या फैमिली इश्यूज को बहुत हल्के में लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते, जिससे मैरिड लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब या फैमिली लाइफ भी और डिस्टर्ब होने लग जाती है, और पर्सनल लाइफ तो हो ही रही है। हालांकि शुक्र का क्षेत्र डेवलप अच्छा है, सारे प्लेजर सब के सब आपके फुलफिल होंगे, सारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति होगी, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, फैशन, ब्यूटी, डिजाइनिंग के प्रति रुझान, ध्यान, ये सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी, सभी चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे। सीधे खड़े रेखा अपॉर्चुनिटी देगी, तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे। केतु का क्षेत्र यहाँ पर फिलहाल सामान्य है, और बात करें मरकरी की तो यस, मरकरी माउंट डेवलप्ड और मरकरी लाइन भी डेवलप्ड अच्छी है, तो बिजनेस करना, साइड बिजनेस करना ज़्यादा ठीक रहने वाला है। चंद्र के ऊपर क्रॉस है तो ये भी अज्ञात भय, चिंता, रेस्टलेसनेस देता है, ध्यान बहुत जल्दा भटकता है। इसका रेमेडी और सन का रेमेडी करने से मन एकाग्रचित भी रहेगा, और सारे तकलीफ परेशानी जो अनवांटेड प्रेशर है वो सब खत्म होंगे, नेगेटिव थॉट सब खत्म होगा। सेल्फ मेड लक लाइन देखिए आपकी हथेली में है, लेफ्ट हैंड में भी, और यहाँ पर भी देखा जाए तो गुरु की तरफ रेखा चुक रही है, तो बड़े पद पर विराजमान होने के योग अच्छे हैं। सूर्य की स्थिति भी ठीक है, तो मान सम्मान अच्छा प्राप्त अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे, और सहयोगी रेखा है ही, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर अच्छी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।